वेलकम गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएम ऑटोमोबाइल्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, मैं आपके लिए पिछले 2 महीने से ला रहा हूँ कि जुलाई के महीने में कौन सी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेची गई हैं, अगस्त के महीने में कौन सी सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बेची गई हैं। लेकिन आज के वीडियो का टाइटल कुछ और है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा 2019 के सेप्टेम्बर के महीने में वो कौन सी 10 SUVs हैं जो सबसे ज़्यादा बेची गई हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और जान लेते हैं टॉप 10 बेस्ट सेलिंग SUV इन सेप्टेम्बर 2019। सबसे पहले बात करेंगे 10th रैंक पर आने वाली SUV की, नाम है होंडा WRV। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल इंजन मिलता है, और दोनों ही इंजनों में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 17 किलोमीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है और इसके डीजल इंजन में 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की, तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 1341 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो एक्शन प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से ये गाड़ी 8,08,000 रुपये से शुरू करके 10,48,000 रुपये तक जाती है। अब जान लेते हैं 9th रैंक पर आने वाली गाड़ी की, नाम है महिंद्रा XUV 300। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन मिलता है। इस गाड़ी का जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, और इसका जो डीजल इंजन है उसमें आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, और इस गाड़ी के डीजल इंजन में 17 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें इस गाड़ी के सेल्स की, तो सितंबर के महीने में इस SUV की 2,492 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो एक्शन प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 8 लाख रुपये से शुरू करके 12.69 लाख रुपये तक जाता है। अब जान लेते हैं 8th रैंक पर आने वाली SUV की, ये गाड़ी अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, नाम है MG Hector। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल इंजन मिलता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं इस गाड़ी का जो डीजल इंजन है उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में आपको 13.96 से लेकर के 15.81 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल जाता है। वहीं इस गाड़ी के डीजल इंजन में 17.41 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की, तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 2,608 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो इस गाड़ी का प्राइस 12.18 लाख रुपये से शुरू करके 16.88 लाख रुपीस तक जाता है। अब जान लेते हैं 7th रैंक पर आने वाली SUV की, नाम है टाटा नेक्सॉन। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल इंजन मिलता है, और इसके दोनों ही इंजनों में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं इस गाड़ी के डीजल इंजन में 21.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की, तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 2,842 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो एक्शन प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 6 लाख रुपये से शुरू करके 11 लाख रुपये तक जाता है। अब जान लेते हैं 6th रैंक पर आने वाली SUV की, नाम है फोर्ड इको स्पोर्ट। इस गाड़ी में आपको डीजल इंजन मिलता है और पेट्रोल इंजन मिलता है। इस गाड़ी के डीजल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, वहीं इस गाड़ी के जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं इस गाड़ी के डीजल इंजन में 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की, तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 3,139 यूनिट्स ही बिकी है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो एक्शन प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 7.81 लाख रुपये से शुरू करके 11.35 लाख रुपये तक जाता है। अब जान लेते हैं 5th रैंक पर आने वाली SUV की, नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इसमें आपको डीजल इंजन ही मिलता है, और डीजल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इस गाड़ी का डीजल इंजन में 16.36 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की, तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 3,600 यूनिट्स ही बिकी हैं।
अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो एक्शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 9.99 लाख रुपीज़ से शुरू हो करके 16.63 लाख रुपीज़ तक जाता है। अब जान लेते हैं फोर्थ रैंक पर आने वाली एसयूवी की। ये वो गाड़ी है जो हर किसी की पसंद बनी हुई थी, लेकिन और एसयूवी के लॉन्च होने के चलते इस गाड़ी की सेल्स फिगर में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। ये वो गाड़ी है जो कभी नंबर सेकंड पर हाई बेस्ट सेलिंग एसयूवी में रहा करती थी, लेकिन सेल्स फिगर गिरने के चलते इस गाड़ी का रैंक अब फोर्थ नंबर पर आ गया है। नाम है ह्युंडई क्रेटा। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल इंजन मिलता है, और दोनों ही इंजनों में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 15.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं इस गाड़ी के डीजल इंजन में 22.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 6641 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो एक्शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 9.99 लाख रुपीज़ से शुरू करके 15.67 लाख रुपीज़ तक जाता है। अब जान लेते हैं थर्ड रैंक पर आने वाली गाड़ी की। ये वो गाड़ी है जो अभी हाल ही में ही लॉन्च हुई है, और लॉन्च होने के बाद से ही इस गाड़ी को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कि इसने अपने कॉम्पिटिशन में क्रेटा तक को पीछे छोड़ दिया है। नाम है किया सेल्टॉस। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल इंजन मिलता है, और दोनों ही इंजनों में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 16.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं इस गाड़ी के डीजल इंजन में 20.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 7754 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो एक्शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 9.969 लाख रुपीज़ से शुरू करके 16.99 लाख रुपीज़ तक जाता है। अब जान लेते हैं सेकंड रैंक पर आने वाली गाड़ी की। ये वो गाड़ी है जो हर किसी की पसंद बनी हुई है जब से इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। इस गाड़ी में इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं और इस गाड़ी का प्राइस इतना ज़्यादा कम है कि एक वैल्यू फॉर मनी कार लगती है। ये वो गाड़ी है जो भी पिछले दो से तीन महीने में नंबर वन बेस्ट हाई सेलिंग एसयूवी में रहा करती थी, और इसने विटारा ब्रीजा तक को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इस गाड़ी के सेल्स फिगर में थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है, इसलिए इस गाड़ी का रैंक सेकंड नंबर पर आ गया है। मैं बात कर रहा हूँ ह्युंडई वेन्यू की। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल इंजन मिलता है और डीजल इंजन मिलता है। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं बात करें इस गाड़ी के डीजल इंजन की तो इसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, ऑटोमेटिक नहीं मिलता। इस गाड़ी के पेट्रोल इंजन में 17.52 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है, वहीं डीजल इंजन में 23.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 7942 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो एक्शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 6.5 लाख रुपीज़ से शुरू करके 11.1 लाख रुपीज़ तक जाता है। अब जान लेते हैं नंबर वन बेस्ट हाई सेलिंग एसयूवी की। ये वो गाड़ी है जो कभी नंबर वन बेस्ट हाई सेलिंग एसयूवी में रहा करती थी, लेकिन ह्युंडई वेन्यू के लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी को मार खानी पड़ी और इस गाड़ी का सेल्स फिगर थोड़ा सा डाउन चल रहा था। लेकिन वापस इस गाड़ी का सेल्स फिगर बढ़ा है और अभी ये नंबर वन बेस्ट हाई सेलिंग एसयूवी में दोबारा शामिल हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी विटारा ब्रीजा की। इस गाड़ी में आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, और डीजल इंजन में आपको सिर्फ मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके डीजल इंजन में 24.3 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज क्लेम किया जाता है। बात करें सेल्स की तो सितंबर के महीने में इस गाड़ी की 10,362 यूनिट्स ही बिकी हैं। अगर आप इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं तो एक्शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली के हिसाब से इस गाड़ी का प्राइस 7.67 लाख रुपीज़ से शुरू होकर के 10.64 लाख रुपीज़ तक जाता है।
तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलूँगा अगले नए वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।